अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का जलवा 90 के दौर में बॉलीवुड में खूब चलता था। सोनाली ने उस दौर में न सिर्फ अपनी बेहतरीन एक्टिंग से बल्कि अपनी खूबसूरती के जरिए भी फैंस के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। दिलकश मुस्कान, मासूम चेहरा, नशीली आंखें, सोनाली ने अपनी इस खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी से लाखों लोगों को दीवाना बनाया। उसमें एक नाम पॉलिटिशियन राज ठाकरे का भी शामिल था जो सोनाली के प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हाँ, कहते हैं कि सोनाली बेंद्रे की पहली फिल्म आग देखकर ही राज ठाकरे एक्ट्रेस की खूबसूरती के दीवाने हो गए। यहाँ तक कि जब सोनाली को ये बात पता लगी कि राज ठाकरे उनसे प्यार करते हैं तो वो भी उनके प्यार में गिरफ्तार होने से खुद को रोक ना पाई। दोनों का प्यार जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। दोनों अक्सर साथ में क्वालिटी टाइम बिताया करते। हालांकि ना तो कभी राज ठाकरे ने और ना ही सोनाली बेंद्रे ने इस रिश्ते को स्वीकार किया। हालांकि दोनों के अफेयर की खबरें उस वक्त कंफर्म हुई जब माइकल जैक्सन भारत में शो करने के लिए आए। इस दौरान राज ठाकरे के साथ जब सोनाली बेंद्रे माइकल जैक्सन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंची तो ये देखकर हर कोई दंग रह गया। इस दौरान की तस्वीरें और वीडियोस ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई। देखिए किस तरह पॉप स्टार को रिसीव करने के लिए ठाकरे और सोनाली साथ में ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे। राज ठाकरे ने जहां इस दौरान कुर्ता पैजामा के साथ नेहरू जैकेट पहना तो वहीं सोनाली मराठी साड़ी पहने बालों में गजरा लगाए नजर आई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर कोई ये समझ गया कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राज ठाकरे शादीशुदा थे। उनकी शादी शर्मिला ठाकरे से हुई और दोनों के दो बच्चे भी हैं। ऐसे में शादीशुदा होने की वजह से राज ठाकरे का सोनाली संग शादी का मामला बीच मोड़ पर ही आकर खत्म हो गया और ये सब राज ठाकरे के चाचा बाल ठाकरे ने करवाया। जी हाँ, राज ठाकरे संग सोनाली के अफेयर की खबरें जब बाल ठाकरे तक पहुंची तो उन्होंने शादी के लिए मना किया। वो इस बात पर अड़ गए कि वो राज ठाकरे को दूसरी शादी नहीं करने देंगे। उन्होंने राज ठाकरे से कहा कि शादीशुदा होते हुए भी अगर राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे से दूसरी शादी कर लेते हैं तो इससे न सिर्फ परिवार की प्रतिष्ठा खराब होगी बल्कि ये बात शिवसेना के लिहाज से भी ठीक नहीं होगी। ऐसे में राज ठाकरे ने ताऊ के फैसले का विरोध करना ठीक न समझा और वो सोनाली से शादी करने से पीछे हट गए और ऐसे बीच राह पर ही राज ठाकरे सोनाली का साथ छोड़कर उनसे दूर हो गए। वहीं राज ठाकरे संग ब्रेकअप के बाद भी सोनाली का नाम कई मशहूर शख्सियतों से जुड़ा जिनमें शोएब अख्तर, सुनील शेट्टी, गोविंदा जैसे एक्टर्स के नाम शामिल हैं। लेकिन इनमें से किसी के साथ भी सोनाली का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं टिका और आखिर में सोनाली ने 12 नवंबर 2002 को गोल्डी बहल के साथ शादी कर अपना घर बसाया। फिलहाल सोनाली फिल्मों से दूर अपने घर परिवार संग खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।